धर्मनगरी हरिद्वार में कुछ महीने पहले ही जहरीली शराब पीने से सैकड़ों लोग मौत के काल में समा गए थे, जिसके कारण जिम्मेदार आबकारी विभाग के कई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था। तो वहीं अब आबकारी विभाग कुंभकर्णी नींद से जागते हुए मुस्तैदी की बात कर रहा है। जिला चुनाव अभी चल रहा है, 11 अप्रैल को वोटिंग मिली है, तो अभी शराब की रोकथाम के लिए विभाग की तरफ से क्या किस तरह की तैयारी चल रही है? इस लोकसभा इलेक्शन में अवैध शराब, जिसमें चाहे दूसरे राज्यों से आयातित शराब हो या कच्ची शराब, जो भी गलत तरीके की शराब है, उसकी रोकथाम के लिए आबकारी विभाग ने कुल 5 टीमों का गठन किया है। हरिद्वार, रुड़की, लक्षर, भगवानपुर, इन जगहों पर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के द्वारा टीम बनाई गई है और एक लिकर मॉनिटरिंग की टीम बनाई गई है। ये लिकर मॉनिटरिंग की टीम जो है, ये पूरे ज़िले में जहाँ भी इनको सूचना मिलती है और अपने स्तर पर भी मुखबिरी से ये अवैध शराब को पकड़ रहे हैं। बाकी टीमें अपने अपने क्षेत्र में लगातार लगी हुई हैं। कुछ दिन पहले ही जहरीली शराब पीने के कारण कई मौतें हो गई थी जी। इस पर क्या कुछ अलग से तैयारी विभाग कर रहा है कि जो इस पर निगरानी रखी जाए, कोई भी इस तरह की जहरीली शराब जी लोगों तक ना पहुँच पाए? जी, इसके लिए लोगों में जागरूकता भी फैलाई जा रही है कि आप इस तरीके से कच्ची शराब